मुंगेर नगर निगम बोर्ड का बैठक रहा हंगामेदार। वार्ड पार्षदों ने किया जमकर हंगामा। वार्ड में काम नहीं होने से नाराज चल रहे थे पार्षद। बैठक में मौजूद थे स्थानीय भाजपा विधायक। दरअसल मुंगेर नगर निगम सभागार में आयोजित बोर्ड की बैठक काफी हंगामेदार रहा। बैठक में विशिष्ट अतिथि के रूप में मुंगेर के भाजपा विधायक प्रणव कुमार मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता मेयर कुमकुम देवी कर रही थी, तो वहीं बैठक में नगर आयुक्त सहित कई वार्ड पार्षद मौजूद थे। इतना ही नहीं, एक पार्षद के द्वारा मेयर के चेयर के समीप जाकर जमीन पर बैठकर हंगामा करने लगे और अन्य वार्ड सदस्य भी अपनी अपनी मांगों को लेकर हंगामा करने लगे, जिसको लेकर सभागार में कुछ देर के लिए सुरक्षा कर्मियों को भी बुलाना पड़ा। फिर काफ़ी समझाने बुझाने के बाद वार्ड पार्षद शांत हुए। वहीं हंगामा कर रहे 24 नंबर वार्ड के वार्ड पार्षद सिट्टू ने बताया कि उनके वार्ड में आज तक ना तो लाइट लगाई गई है और ना ही पानी की सुविधा ही पहुंची। कई बार मेयर को भी इस बात को लेकर आवेदन दिया गया, पर अब तक किसी ने उनकी नहीं सुनी, जिसको लेकर आज वह बोर्ड की बैठक में अपनी आवाज़ को बुलंद किया। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में आए मुंगेर के भाजपा विधायक प्रणव कुमार ने बताया कि लोकतंत्र में अपनी आवाज़ को बुलंद करना सभी का अधिकार है और वार्ड नंबर 24 के सिट्टू जी ने भी अपनी आवाज़ को लोकतांत्रिक पद्धति के तहत उठाया। वार्ड में विगत 3 वर्षों से लाइट नहीं लगा है। 3 वर्ष हो गया लाइट लगाए, पुराना लाइट बड़ी दुर्गा पूजा ऐसा जगह में 3 माह से लाइट नहीं जल रहा है। दुर्गा पूजा बीत गया, दिवाली बीत गया, छठ बीत गया, वो मेंटेनेंस वाला मेंटेनेंस नहीं कर रहा है। दूसरा लाइट की समस्या है, लाइट नया लाइट 3 वर्ष पूर्व भी नहीं लगा था, हम वंचित थे वार्ड नंबर 24 और आज भी वंचित है। तीसरी समस्या है कि यह कि मैं ग्लोबल टेंडर का विरोध कर रहा हूँ, जो पुल पुलिया बनने वाला है, एक व्यक्ति एक वार्ड में 20 आदमी 20 पुल पुलिया बन रहा है। ऐसी परिस्थिति में लोग तो सफर करेगा, वो वार्ड कमिश्नर बोलेगा हमने यहाँ कराई, वो वार्ड कमिश्नर बोलेगा हमने यहाँ कराई, तो साल दो साल लग जाएगा बनने में। तो ऐसी परिस्थिति में मेरा कहना है कि 15-15 वार्ड करके आप ग्लोबल टेंडर कीजिए और 15-15 वार्ड को 3 समय तक काम करेगा, 3 समय तक करेगा। मेरे यहाँ एक समरसेबुल है जो आज शादी विवाह का समय है, आज 2 महीना से 1 महीना से खराब है। मैं बोलते बोलते थक गया हूँ लेकिन कोई सुना सुनवाई नहीं हो रही है। क्या नाम आपका? आमोद कुमार, वार्ड नंबर 24। देखिए मुंगेर नगर निगम का आज बोर्ड का बैठक था, रूटीन बैठक होता है। मुंगेर नगर निगम के अंदर सफाई व्यवस्था, सड़क की सुविधा, पेयजल की सुविधा, अन्यमन विकास कार्यों पे सभी माननीय पार्षदों के द्वारा राय लिया गया और जो समस्या वहाँ आती है उसको नोट किया जाता है। काफी हंगामेदार ये बैठक, काफी हंगामेदार रहा, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए लोकतांत्रिक अधिकार है वार्ड पार्षदों का, वार्ड 22 से सेंटू जी हैं, वो अपना 24 से सेंटू जी अपना मांग रखे, उनका था कि हम नगर आयुक्त के ऑफिस में लिख के दिए हैं लेकिन मेरे आवेदन पर कार्रवाई नहीं हुआ, उसी के लिए वो आगे आके आवाज लगा, तो उसको लोकतांत्रिक प्रक्रिया वो बताया है नगर आयुक्त महोदय कि हमको अगर मेरे ऑफिस में दिए एक बार मेरे संज्ञान में दिए, मैं उसको तुरंत 24 घंटा के अंदर करूँगी वो समाधान।